अक्षय तृतीया का मौका है और ऐसे मौके को सेलिब्रेट करने के लिए हमारे साथ है अलीशा. वेलकम अलीशा. थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर. ग्रेट. तो अक्षय तृतीया का मौका है और इस मौके पे यू नो गोल्ड खरीदना शुभ माना जाता है. तो हाउ मच यू मतलब आपको कितना पसंद है गोल्ड? वेल, मैं बहुत ज़्यादा ज्वेलरी तो नहीं पहनती हूँ, बट येस यू नो वेन एवर वी हैव टू वेयर समथिंग एथनिक या फिर हम किसी पार्टी में या शादी में जाते हैं तो हमें ज़रूरत पड़ती है. सो टुडे आई एम हियर और बहुत सुना है इस जगह के बारे में, यहाँ की ज्वेलरी के बारे में, और बहुत खूबसूरत होती है गोल्ड ज्वेलरी यहाँ की. आई हैव ऑल्सो सीन एंड आप देख सकते हैं डिस्प्ले में भी जो है. आई रियली लव्ड इट. सो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम एंड गो एंड सी कुछ लेने के लिए. अच्छा, स्टार्ट करें? या आई थिंक वी शुड स्टार्ट नाउ. मुझे बहुत अच्छा लगा. एज यू कैन सी दिस इज़ ट्रेडिशनल लक्ष्मी का हार एंड इस पे लक्ष्मी माता की फोटो बनी हुई है छोटे छोटे गोल्ड कॉइन्स पे. लाइक इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल सो अनएक्सपेक्टेड काइंड ऑफ अ थिंग, बट बहुत सुंदर लगेगा. आई मीन लाइक आई एम इन लव विद दिस. दिस इज़ सो सो क्रिएटिव एंड सो ब्यूटिफुल. I think I'll try this. I'm in love with this these golden bangles. और मैंने अभी भी सुना है कि इसे तोड़ा बोलते हैं, विच इज़ महाराष्ट्रियन ट्रेडिशनल ज्वेलरी. सो हवा में तोड़ा. इज़ इट ब्यूटिफुल? ये काफ़ी सुंदर है एंड आई ऑल्सो लव्ड. एज आई जस्ट सेड, मुझे ये नेकपीस बहुत अच्छा लग रहा था विद दिस ट्रेडिशनल यू नो ट्रेडिशनल जिसमें लक्ष्मी माता की फ़ोटो बनी हुई है. आई रियली लव्ड इट. और ये इसे एक्चुअली क्या बोलते हैं, खुशी. दिस इज ऑल्सो ट्रेडिशनल. इसे ठुशी बोलते हैं, अ ट्रेडिशनल ज्वेलरी. वाओ, सो तोड़ा एंड ठुशी. इजंट इट लुकिंग नाइस? आई एम इन लव विद इट. Not stop staring myself and this beautiful jewelry. I'm telling you, मुझे बहुत अच्छी लग रही है. See ना these like these kundan earrings and this whole and मतलब traditional jewelry. मैंने सोचा नहीं था मैं भी ये सब कभी पहनूंगी in real life. But I'm in love with it. Like I'm just loving it. It's so pretty. It's so beautiful. I am in love with antique jewelry now and as you can see जो मैंने पहना है ये एंटीक कुंदन नेक पीस है. And as you can see इसके साथ कुछ और पहनने की ज़रूरत नहीं है, you know like another neck piece with a long chain or anything like that. आपको कुछ पहनने की ज़रूरत नहीं है. Even if you're wearing, I might say you know anything, even if you're wearing something western in a wedding or in a party like that and you're wearing Indo-Western kind of a thing, I think this will suit it anyway. And ये बहुत सुंदर लग रहा है. I think this is one of my favorite. अभी तक मैंने जितने try किए हैं उन सब में से ये मेरा favorite है. हमने इतना कुछ try किया, हमने कुंदन की jewelry try की, antique सारी jewelries हमने try की. अब हम try करेंगे something in rose gold, something very different you know in front of all these. And that is Tantana. Isn't it beautiful? Of course it is. Ab main ye pehnungi. Well, I think I got the one for me and as you can see it's a beautiful neck piece. It is of diamond plus ruby and white pearls. Isn't it beautiful? आई थिंक इसे मुझे एक्सप्लेन करने की भी ज़रूरत नहीं है. ये इतना 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 अच्छा है ना. आई एम इन लव विद दिस नेक पीस. So
फाइनली यू आर डन विद अक्षय तृतीया शॉपिंग, बताएंगी व्यूअर्स को अलीशा? वेल एज यू कैन सी वामन हरी पेठे ज्वेलर्स, माई शॉपिंग इज़ डन एंड आई मस्ट से द ज्वेलरी हियर इज़ ऑसम एज यू ऑल हैव ऑलरेडी सीन. You know, the designs are really creative and really beautiful, and I'm in love with all sorts of jewelry here, the rings, the neck pieces, and you know, all sorts of those traditional jewelry jinke maine naam bhi aaj pehli baar sune. So it was a lovely experience, and thank you for having me here for this lovely experience, and I just had fun and I'm going with my hamper now. Great, thank you so much Alisha. Cameraman Sanjay ke saath Shilpa Patil, E24, Mumbai.